गाइस तो मेरा नाम है दीपक रघुवंशी और बागेश्वर धाम पैदल यात्रा का आज है सातवां दिन और ये है उसका पार्ट फर्स्ट, पहला दिन, पहला भाग सातवें दिन का। तो सभी लोग छतरपुर पहुंच चुके हैं और थोड़ा करीबन 2 घंटे की नींद लेने के बाद 24 घंटे कंटिन्यूसली जो यात्रा हमारी चली छठवें दिन के सुबह 6 बजे से लेके 7वें दिन के सुबह 6 बजे तक 24 घंटे दिन और रात सब लोग यात्री बागेश्वर धाम पैदल यात्रा में जो शामिल हैं जो 24 घंटे चले, उसके बाद इधर छतरपुर पहुंच के 2 घंटे का विश्राम लिया थोड़ा सा निंद्रा का, फिर उसके बाद सभी लोग अब फिर से बागेश्वर धाम पैदल यात्रा को प्रारंभ करते हुए जय सिया राम जय बागेश्वर धाम। देखिए आगे क्या होता है इस वीडियो में, तो चलिए बने रहें हमारे साथ, पूरी वीडियो देखें। हमारी बागेश्वर धाम पैदल यात्रा फिर से प्रारंभ हो गई है। ये देखिए कुछ लोग पीछे आ रहे हैं और ये रोहित, सुमित और सोहित तीनों लोग आगे जा रहे हैं और ये हम आ गए हैं चौराहे पे छतरपुर में। ये छतरपुर में चौराहे पे हम लोग आ गए हैं, इधर ही चाय नाश्ता वगैरह करेंगे और फिर इधर से प्रस्थान करेंगे। ये सारी भक्त मंडली आ रही है और कुछ लोग पीछे हैं वो भी आ रहे हैं। तो ये देखिए गाइस हमारी गाड़ी भी इधर आ चुकी है और भैया भी इधर नाश्ता करेंगे और सारी भक्त मंडली भी आ चुकी है जो कि इधर विराजमान है और हम इधर भैया के पास पोहा खाएंगे। भैया जी आपका नाम क्या है? मनीष अकबर जी। जोर से बोलिए जरा। मनीष अकबर। मनीष जी, हाँ जी। तो मनीष जी के पास हम पोहा खाने आए हैं, वो बिना प्याज का पोहा दे रहे हैं भैया। ये सभी लोग इधर से बागेश्वर धाम का रास्ता कौन सा है? सीधा 25 किलोमीटर यहाँ से 25 किलोमीटर की यात्रा और बची हुई है। तो चलिए फिर पहले पोहा खाते हैं फिर इधर से बागेश्वर धाम पैदल यात्रा को प्रारंभ करते हैं। देखिए गाइस हमारी बागेश्वर धाम पैदल यात्रा फिर से प्रारंभ कर दी गई है और ये सभी भक्तगण आ रहे हैं। ये देखिए ये गाड़ी भी आ गई है। ये रास्ता सीधा बागेश्वर धाम के लिए जाता है। हम लोग छतरपुर से निकल रहे हैं, बस इधर से 25 किलोमीटर की दूरी पर बागेश्वर धाम स्थित हैं। तो चलिए चलते हैं, जय सिया राम जय बागेश्वर धाम। ये देखिए गाइस बहुत ही अच्छी सिटी है छतरपुर और अभी इस रूट से हमको सीधा सीधा जाना है, फिर करीबन 18 से 20 किलोमीटर की दूरी पर बागेश्वर चौराहा मिलेगा, उससे आगे मुड़ के हमको बागेश्वर पहुंचना है। तो चलिए चलते हैं। ये देखिए गाइस ये है छतरपुर रेलवे स्टेशन। तो देखिए गाइस इस साइड है छतरपुर और इस साइड हमको जाना है बागेश्वर धाम के लिए और ये भैया ने हमको इधर चाय पीने के लिए बुलाया। ये देखिए इनकी दुकान श्री बागेश्वर धाम टी स्टॉल एवं नाश्ता भंडार, बागेश्वर की कृपा से अपनी छोटी सी चाय की दुकान पर पदयात्रा करने जाते हुए भक्तों को प्रतिदिन निःशुल्क चाय फ्री एवं हर मंगलवार को भंडारा। जय हो प्रभु। भैया जी आपका नाम क्या है? हल्के भैया रेखवार। हल्के भैया रेखवार। तो ये चाय आप पदयात्रा वालों के लिए हमेशा फ्री लाते हो? फ्री फ्री प्रतिदिन प्रतिदिन फ्री है। जय हो सर। आपका मंगलवार का भंडारा भी चलता है? अच्छा हाँ यहीं पे। चलिए बहुत अच्छी बात है। जय सिया राम जय बागेश्वर धाम। जय बागेश्वर धाम की से चल रही है। क्या फ्री सेवा 5-6 महीना से जुलाई शुरुआत से जो है चाय फ्री और मंगलवार को भंडारा हुआ है, जिस वजह से बस हमारी भांजी की दोनों किडनी खराब हो गई। सही है सही है, डॉक्टरों ने मना कर दिया था। कृपा है जिस वजह से हो जाए। चलिए फिर अंकल जी चले हम। हाँ ये देखिए गाइस ये हम इधर ढाबे पे आ चुके हैं और सभी लोग इधर ही नहा रहे हैं, तो मैंने तो नहा लिया है। तो ये देखिए सभी लोग नहा रहे हैं इधर ही।
ये देखिए सभी के कपड़े वगैरह धुल चुके हैं और सभी, ये देखिए सतीश ने नहा लिया, नहा लिया भाई, ये अभी इसने 10 मिनट लग रहा है, 10 मिनट लग रहा है। ये देखिए ये रोहित नहा रहा है और ये देखिए विशाल कपड़े धुल रहा है। तो सभी लोग नहा रहे हैं और ये देखिए मैंने तो नहा लिया है, ये देखिए मैंने तो नहा लिया है। तो चलिए खाना खाते हैं इधर ही कहीं और फिर निकलते हैं इधर से, करीबन 15 किलोमीटर की और दूरी पर बागेश्वर धाम सरकार विराजमान है। तो चलिए फिर चलते हैं, सब कुछ खाना वगैरह खा के फिर दर्शन करेंगे। बोलो बागेश्वर धाम की जय। तो देखिए गाइस सभी लोग खाना खाने के लिए बैठ चुके हैं। तो दाल है, साथ में रोटियां हैं, सलाद है, चटनी है, सेव भाजी की सब्जी है और ये देखिए सभी लोग खाना खा रहे हैं। खाना खाने के बाद जैसा कि आप सब लोगों को पता है बागेश्वर धाम पैदल यात्रा को हम प्रारंभ करेंगे इधर ही से, इधर से करीबन बागेश्वर धाम 15 किलोमीटर की दूरी पर है। तो चलिए खाना खाते हैं फिर बागेश्वर धाम के लिए प्रस्थान करते हैं। बोलो जय श्री राम। देखिए गाइस सभी लोगों ने खाना खा लिया और सभी भक्त मंडली चल पड़ी है बागेश्वर धाम की ओर। तो चलिए फिर चलते हैं, जय सियाराम, जय बागेश्वर धाम, जय। ये देखिए गाइस भोजन के बाद सभी भक्त मंडली बागेश्वर धाम की ओर प्रस्थान करते हुए, देखिए गाइस कितनी अच्छी मूर्तियां बनाई गई हैं। इधर विष्णु भगवान की है, उधर ब्रह्मदेव की है और ये देखिए नारद जी खड़े हैं उधर और ये भोले बाबा। ये देखिए जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम। तो चलिए वो जा रही हमारी सारी भक्त मंडली, चलते हैं आगे। ये देखिए गाइस हम लोग अभी हाईवे पर चलते जा रहे हैं और इधर से करीबन 4 से 5 किलोमीटर और हमको चलना है, उसके बाद हम लेफ्ट टर्न लेंगे गढ़ा के लिए, बागेश्वर धाम के लिए। तो ये देखिए जय सिया राम, ये देखिए हमारी सारी भक्त मंडली जा रही है। सभी लोग आ रहे हैं, चलिए फिर चलते हैं। ये देखिए गाइस हम लोग करीबन यहाँ से हमको बागेश्वर धाम के लिए मुड़ना है, उस रास्ते से 1 से 2 किलोमीटर की दूरी पर हैं, इस शायद इस ब्रिज को उतरते ही हमको मुड़ना है। और ये देखिए इधर पहाड़ वगैरह हैं, बहुत अच्छे जंगल टाइप का एरिया है पूरा। तो आज हम आपको सब दिखाएंगे बागेश्वर जाने का रास्ता, बागेश्वर धाम में कैसा क्या है तो सब दिखाते हैं आपको। ये देखिए हमारी गाड़ी खड़ी हुई है और सभी भक्तगण आगे बैठे हुए आराम कर रहे हैं। देखिए गाइस ये लोग कहाँ बैठे हुए हैं, सर्दी के ब्रिज के ऊपर सभी भक्तगण बैठे हुए हैं। ये देखिए गाइस कितना अच्छा व्यू है इधर ब्रिज के ऊपर से, यह हमारे बागेश्वर धाम यात्रा की गाड़ी। ये देखिए काफी अच्छा व्यू है इधर से, सभी भक्तगण इधर बैठे हुए हैं। इधर से एक शॉर्टकट मिला है जो कि ये रेलवे लाइन है, ये सीधा ही सीधा चले जाओ तो सीधा गढ़ा जाती है और जो कि
घुमाव वगैरह है रोड में जो हाईवे में, तो उससे 1-2 किलोमीटर 3 किलोमीटर शॉर्ट पड़ जाएगा। तो चलिए फिर इसी रास्ते से चलते हैं। तो गाइस इसी लाइन से हम लोग जाने की सोच रहे हैं, चलिए फिर चलते हैं। तो गाइस ये देखिए हम इधर ही से उतर के जा रहे हैं सीढ़ियों पे से। मैं पपोल पे मिले हूँ। ये देखिए गाइस हम उतरते जा रहे हैं नीचे। सीढ़ी उतरने में तो दिक्कत हो रही है सर, सीढ़ियाँ उतरने में समस्या आ रही है। तो गाइस ये सारी बागेश्वर धाम पैदल यात्रा की मंडली आपको दिख रही है। हम सभी ने डिसीजन लिया है कि हाईवे छोड़ के हम ये रेल ट्रैक से हम जाएंगे। तो सभी लोग सहमत हो? जी। तो बोलो बोल बागेश्वर धाम की जय, रामचंद्र भगवान की जय, रामचंद्र भगवान की जय, जय जय श्री राम। चलिए गाइस सभी लोग चल रहे हैं रेलवे ट्रैक पे से, देखते हैं क्या हम उधर ही पहुंचेंगे कि कहीं और पहुंचेंगे। अब ये हमको पता नहीं है क्योंकि हम भी पहली बार इधर आए हैं। ये देखिए गाइस ब्रिज, ये देखिए देखिए गाइस हम लोग चलते जा रहे हैं और ये ऐसा रास्ता है, देख के चलना भैया, वैसे ही पैरों में जान नहीं है, गिर मत जाना कोई। ये देखिए एक का एक सहारा लेके चलते हुए, देखिए गाइस हमारी सारी मंडली ये ट्रैक के पास से जो रास्ता गया है छोटा सा इस पे से जा रही है। और चलिए फिर चलते हैं बागेश्वर धाम, आगे आगे चलते हैं और देखते हैं कहाँ जाके पहुँचेंगे। ये देखिए गाइस ये इधर नदी है और हम अभी सीधे सीधे चलते जा रहे हैं, काफ़ी अच्छा व्यू है इधर का। तो चलिए फिर चलते हैं आगे। देखिए गाइस सारी भक्त मंडली आगे जाती हुई और आगे जाके हमको रोड मिलेगा तो उस पे से हम जाएंगे। और ये देखिए पीछे भी आ रहे हैं सब लोग। जय श्री राम, बोलो बागेश्वर धाम की जय। ये गाइस हम लोग इधर ये छोटी सी रास्ते पे से जो कच्ची सड़क थी उस पे से आए थे और इधर ही हमको चाय की होटल मिल गई है और सामने वो रोड है उस पे से जाएंगे हम लेफ्ट साइड की ओर। और ये हमारी सारी भक्त मंडली इधर विराजमान है। जय श्री राम, जय श्री राम। अब सब लोग चाय पियेंगे फिर इधर से आगे बढ़ेंगे। सब लोग आ चुके हैं और हमारी यात्रा प्रारंभ हो चुकी है। और ये रहा गढ़ा का रास्ता, बस थोड़ी ही देर में करीबन 2-3 किलोमीटर इधर से गढ़ा बचा हुआ है तो हम थोड़ी देर में गढ़ा पे पहुंच जाएंगे। तो चलिए फिर चलते हैं। तो गाइस फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं बागेश्वर धाम, इधर से करीबन 1 किलोमीटर की और दूरी है और सारी भक्त मंडली बागेश्वर धाम पैदल यात्रा की चलती हुई चलते चलते जा रही है। तो चलिए चलते हैं आगे, दिखाते हैं आपको आगे कैसा क्या है। ये देखिए गाइस हम लोग बागेश्वर धाम में पहुंच चुके हैं और ये कुछ इधर की दुकानें शॉप वगैरह चाय वगैरह की। और चलिए अभी आगे चलते जा रहे हैं हम लोग और आगे चलते हैं, ये हमारी मंडली जा रही है। जय श्री राम, जय श्री राम। ये देखिए गाइस हमारा तम्बू लग गया है बागेश्वर धाम में। जो अलग पेड़ हो देखिए गाइस सभी लोगों के बिस्तर लग चुके हैं और सभी लोग बस सोने ही वाले हैं।
तो सब लोग सोते हैं, चलिए फिर सुबह जल्दी उठकर दर्शन करेंगे। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम। तो आप सभी लोगों को जैसा कि पता है कि बागेश्वर धाम पैदल यात्रा आज 7वें दिन बागेश्वर पहुंच चुकी है, और इधर हमने तंबू भी लगा लिया और सब लोग सोए बढ़िया। तो अभी सब लोग सो रहे हैं, मॉर्निंग का टाइम है, मतलब उठने ही वाले हैं, अधिकतर तो लोग उठ गए हैं। तो चलिए फिर इस वीडियो में हम यहीं तक रखेंगे, अगली वीडियो में आपको दिखाएंगे बागेश्वर धाम मंदिर, और दर्शन अगर हो सकता है प्रयास तो करेंगे कि हम दर्शन भी कराएं, और ये भी दिखाएंगे कि अर्जी कैसे लगती है, कहाँ पे लगती है, कहाँ नारियल बांधना पड़ता है, कैसे क्या प्रोसेस रहती है उसकी, तो सब दिखाएंगे आपको, बने रहे हमारे साथ। ये था 7वां दिन, और अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो सारी वीडियो देखें और बिल्कुल भी स्किप ना करें। जब तक के लिए जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम।